वेलकम फर्स्ट ईयर पेंट टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पेंट एडिटिव्स आपके क्या होते हैं और उसको क्या क्या कहते हैं, और उसके हमने एमसीक्यू किए थे। आज हम देखते हैं थिनर के आधार पर पेंट को कितने भागों में बांटा गया है। थिनर के आधार पर पेंट के भाग, टाइप्स ऑफ पेंट ऑन द बेसिस ऑफ थिनर। थिनर के आधार पर पेंट को हमने टू टाइप पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका सॉल्वेंट बेस्ड पेंट, एंड सेकंड है हमारा वाटर बेस्ड पेंट्स। सॉल्वेंट बेस्ड पेंट एंड वाटर बेस्ड पेंट को डिस्क्राइब करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे आपका सॉल्वेंट सभी कंपोनेंट्स को मिक्स करता है वो आपका सॉल्वेंट बेस्ड पेंट कहलाता है, और बाकी सभी कंपोनेंट्स अगर आपके वाटर में मिक्स हो रहे हैं तो वो आपका वाटर बेस्ड पेंट कहलाता है। अलग अलग तरीके के पेंट में अलग अलग प्रकार के एडिटिव्स यूज किए जाते हैं। सॉल्वेंट बेस्ड पेंट को हम सबसे पहले आज लेते हैं। सॉल्वेंट बेस्ड पेंट में सबसे पहला बेटिंग एंड डिस्पर्जिंग एजेंट, बेटिंग एंड डिस्पर्जिंग एजेंट जो आपका पिगमेंट होता है, पिगमेंट पेंट में जब मिक्स किया जाता है तो पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन एज अ रॉ मटेरियल पेंट हमको काफ़ी बड़े साइज में एक सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो सॉलिड फॉर्म से लेके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले पिगमेंट को ग्राइंड करते हैं, देन मिक्सिंग करते हैं। ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग के बाद ही पिगमेंट का सूटेबल साइज हमको मिल जाता है। अब ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग करते हैं तो कई बार क्या होता है, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग हमारी सही से नहीं हो पाती है। तो ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग हमारी सही से हो पाए, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही साइज हमको मिल पाए, तो वहाँ पे हम मिक्सिंग और ग्राइंडिंग करते टाइम सबसे पहले हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड मतलब तोड़ना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। और मिक्सिंग क्या रहेगा आपका, स्मॉल पाउडर्स को और पाउडर फॉर्म में चेंज करना। तो जब ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग हमारी सही नहीं हो पाती है तब बेटिंग एंड डिस्पर्जिंग एजेंट को हम मिलाते हैं। बेटिंग एंड डिस्पर्जिंग एजेंट आपके एडिटिव्स पिगमेंट की मात्रा के अनुसार बेटिंग एंड डिस्पर्जिंग एजेंट को 0.5 से लेके 2% तक मिक्स किया जाता है। बेटिंग एंड डिस्पर्जिंग एजेंट जैसे सोया लेसिटेन,
तैयारी। अब यहाँ से आपका एक एमसीक्यू ये बन सकता है, ग्राइंडिंग करने के लिए कौन सा एडिटिव यूज किया जाता है? तो वहां पे आपका आएगा बेडिंग एंड डिस्पर्सिंग एजेंट। रिक्वायरमेंट मिक्सिंग रिक्वायरमेंट साइज के लिए कौन सा एडिटिव यूज किया जाता है? बेडिंग एंड डिस्पर्सिंग एजेंट। ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग अपने आप भी हो सकती है, लेकिन क्या होता है प्रोसेस आपकी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए और ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग में आपका मदद करता है बेडिंग एंड डिस्पर्जिंग एजेंट। नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेंट बेस्ड पेंट में एंटी सेटलिंग एजेंट, ANTISETLING, एंटी सेटलिंग एजेंट। सेट क्या होता है? बैठना, और एंटी मतलब कि उसको रोकेगा। तो जब आप पिगमेंट को मिक्स करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, तो कई बार क्या होता है मिक्स पिगमेंट पार्टिकल आपका साइज में बड़ा होता है और वो जिस वेसल में आप मिक्स कर रहे होते हैं वहाँ सरफेस पे बैठ जाता है। तो सरफेस पे आपका पिगमेंट सेट ना हो, इसको रोकने के लिए एंटी सेटलिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। एंटी सेटलिंग एजेंट को हम एंटी सेट एंड बाइंडिंग एजेंट भी कहते हैं। अगर आपकी मिक्सिंग और ग्राइंडिंग सही से नहीं हो पाती है तो पिगमेंट आपका, जैसे आपका ये बेसल है, बेसल में आपने पिगमेंट मिक्स किया है सॉल्वेंट में, तो क्या होगा जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं ये आपके नीचे से बैठने लगेंगे, सेट होने लगेंगे। जब ये नीचे सेट होने लगेंगे तो मिक्सिंग होने में, डिजॉल्व होने में बहुत टाइम लगाएंगे। तो हम वहाँ क्या करते हैं, एंटी सेटिंग एजेंट को मिक्स कर देते हैं, जिससे ये पार्टिकल्स आपके अप आने लगते हैं, नीचे सेट नहीं होते और अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाती है। एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम स्टीरेट या फिर बेंटोनाइट, जैसे एल्यूमिनियम स्टीरेट बेंटोनाइट इत्यादि। तो यहाँ पे आपका एमसीक्यू बन सकता है एंटी सॉरी एल्यूमिनियम स्टीरेट कौन से एडिटिव्स के लिए यूज किया जाता है? तो आपका एंटी सेटिंग एजेंट के लिए यूज होता है, सॉरी सेटलिंग ना हो इसके लिए हम एंटी सेटिंग एजेंट का यूज करते हैं, या फिर एल्यूमिनियम स्टीरेट आपका कौन से एडिटिव के अंतर्गत आता है? तो वहाँ आपका एंटी सेटिंग एजेंट हो जाएगा। और आपको तो बाकी दोनों नाम भी अच्छे से याद करने हैं, एंटी सेट एंड बाइंडिंग एजेंट। नेक्स्ट वीडियो में आगे के एडिटिव्स करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।